बीएसपी यूनियन चुनाव में मतदान कर लौट रहे कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें ऐसे प्रतिनिधि यूनियन चाहिए जो कर्मचारी हित में कार्यरत रहे। कर्मचारियों का यूनियन के प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क हो, कर्मचारियों के कार्य हो, न कि केवल उन्हें आश्वासन मिले। कुछ कर्मचारियों ने ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा कर यूनियन चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए अधिकृत यूनियन का चुनाव आज शनिवार को संपन्न होने जा रहा है 30 जुलाई को। चूंकि इसके पूर्व यहां पे इंटक यूनियन द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था इसके पूर्व सीटू द्वारा। हमारे साथ कुछ बीएसपी के कर्मचारी मौजूद हैं जो अभी मतदान करके आए, आइए हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, आप ये बताएंगे, चूँकि आप मतदान करके आ रहे हैं, इसके अभी वर्तमान में इंटक का कार्यकाल चल रहा है बीएसपी में, किस तरह इंटक यूनियन द्वारा बीएसपी कर्मचारियों के लिए संघर्ष किया जाता है, किस तरह की मांगें हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार भी इंटक फिर से वापस आएगी? देखिए, हम तो कर्मचारी हैं, कर्मचारी का मेन लक्ष्य होता है कि अपने कंपनी का विकास करना और उसके प्रति जागरूक रहना, और चुनाव और पार्टी इनका अपनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं जिस पे भरोसा करके पिछले चार साल में जिनको कार्यभार सौंपा गया था उन्होंने अपना कार्य किया। संपूर्ण रूप से नहीं कर पाए या क्यों नहीं कर पाए वो बात अलग है, लेकिन बदलाव की एक ज़रूरत तो है और बदलाव से ही कुछ और आगे बढ़ सकता है, ये हम लोग का मानना है और उम्मीद करते हैं अगर बदलाव हुआ तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है भविष्य में हम कर्मचारियों के लिए। क्योंकि बातचीत से ये पता चलता है कि जो वर्तमान इंटक यूनियन अधिकृत बीएसपी की उनका कार्य ना तो उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है ना तो सराहनीय रहा और ना ही प्रशंसनीय रहा, क्योंकि इस आधार पर हालांकि इंटक यूनियन के प्रतिनिधियों का दावा, पदाधिकारियों का दावा कि उनके द्वारा लगातार श्रमिक हित में संघर्ष किया जाता रहा, इस मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, विश्वास तो श्रमिक करता है, उस करके उस आयाम में उस कदम पे आगे बढ़ता है, लेकिन निर्णय तो वहाँ है जब उसका ओवरऑल रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट पे जो भी हम लोगों ने देखा तो उतना अच्छा रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला, तो अब आगे का देखते हैं, आगे का किसके किसके कंधे पे आती है ये जिम्मेदारी और उसको किस तरीके से निभाता है वो चीज़। क्योंकि वर्तमान में जो जिसकी भी सरकार यहाँ पर बनती है, चाहे सीटू की चाहे इंटक की हो, तो किस तरह की अपेक्षाएँ आप रखते हैं कि श्रमिक हित में कार्य किया जाए? अपेक्षाएँ तो श्रमिक को यही रहता है कि चुनाव श्रमिक यही इसलिए करता है कि उनकी मांगों को, उनकी जायज़ मांगों को किसी प्रतिनिधित्व के द्वारा उचित मार्गदर्शन मिले प्रबंधन के द्वारा और सेल के प्रमुख से। अगर इस पर ये खरे जो भी बदलाव होगा वो अगर खरे उतरते हैं तो भी बधाई के पात्र होंगे। क्योंकि लगातार अभी देखा जा रहा है कि कई सारी ऐसी विवादित चीज़ें बीच में आई हैं कि कर्मचारी लगातार कर्मचारियों में लगातार नाराज़गी भी देखी जा रही थी कि चूँकि इंटक प्रबंधन द्वारा काम नहीं किया जा रहा, इस तरह को लेकर के बयानबाजी भी लगातार अखबारों में देखी जा रही थी, तो आप इंटक यूनियन के काम से किस तरह से संतुष्ट है और आपको क्या लगता है और आने वाली सरकार से जो भी यूनियन आती है उससे आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए, जैसा कि है कि टिप्पणियों का दौर का क्रम तो खत्म हो गया आज, अब ये टिप्पणियों का दौर कुछ करने का रहा नहीं है। जो भी है, हम लोग अब आने वाला जो कार्यकाल है और जो भी पार्टी रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है उस पर कितना भरोसा कर पाए हम कर्मचारी। टिप्पणियाँ अब यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं उस जगह पर टिप्पणियों का दौर तो खत्म हो चुका है, जितनी भी टिप्पणियाँ हो चुकी हैं वो तो पहले से विदित हैं, अब उसके बारे में क्या बताऊँ। क्योंकि हमारे साथ मौजूद इन कर्मचारियों का कहना है कि टिप्पणियों का दौर अब आज 30 जुलाई 2022 को ख़त्म हो चुका है, नई श्रमिक यूनियन यहाँ पे चुनने जा रही जो शाम तक बीएसपी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेगी। हालांकि इनका ये भी कहना है कि कई अपेक्षाओं में इंटक यूनियन खरी नहीं उतरी है, कुछ हो सकेगा कि बीएसपी में आखिरकार किस यूनियन द्वारा कर्मचारियों का वर्तमान में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दिवेदी।